जीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक टॉर्क, यानी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जनरेट होने वाला किसी क्लोज्ड कॉइल पे टॉर्क। और इस टॉर्क की एक सबसे सुपर एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, और दिमाग में रखिएगा कि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन आती है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला आ जाता है। चलिए करते हैं क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जिस तरह का दिखाई देता है, ये क्या बकवास है। चलो एक अच्छी चीज बताते हैं आपको। देखो आपके पास कुछ ऐसे ये नॉर्थ और ये साउथ, इनको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। और आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत कर्व्ड है, ये कुछ इस तरह का सीन है। इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर एक सिलेंडर फिक्स किया जा सकता है, तो हम यहां पर इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल फील्ड्स। ये जो फील्ड है ये कुछ इस तरह से आती है, और इन फील्ड्स का कोई एक सेंटर होता है जिस सेंटर के अबाउट ये सिमेट्रिक रहती है। उतना अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा, बट यू कंसीडर कि बीच में पॉइंट है जिसके अबाउट ये सारी फील्ड सिमेट्रिक है। तो ऐसा लगता है, ऐसा अज्यूम होता है, किताबों में ड्रॉ करके मिलेगा आपको कि ये फील्ड सीधी यहां आ गई, ये फील्ड सीधी यहां आ गई, ये फील्ड सीधी ऐसे आ गई, ये फील्ड सीधी ऐसे आ गई, और एक कॉमन पॉइंट से सारी फील्ड लाइनें गुजर रही हैं। तो जो कॉमन पॉइंट है वो सेंटर है, और हम कहते हैं कि रेडियल सिमेट्रिक फील्ड है। तो रेडियल सिमेट्री है फील्ड के अंदर, ये रेडियल फील्ड डेवलप करने के लिए हॉर्सशू मैग्नेट लिया जाता है। यहां पर क्योंकि कॉइल तो आई गई है, तो आपको इस तरह से एक मूविंग कॉइल मिलेगी इस तरह से, और इस कॉइल पे लगा होगा एक पिन जो स्केल पे घूमेगा। इसको जोड़ रखा हुआ है किसी टॉर्शनल वायर से जो इस कॉइल के प्लेन के घूम जाने पर ट्विस्ट कर जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और अब इस कॉइल में किसी एक एंड से करंट आ रहा है और किसी एक एंड से करंट जा रहा है। जिस दिशा में करंट बहेगा उसके अकॉर्डिंग कॉइल में करंट रोटेट करने लग जाएगा, और कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से हम ऐसा पाएंगे कि इस कॉइल में करंट है यानी मैग्नेटिक मूवमेंट है, और ये किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल होगी तो उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा तो ये घूम जाएगा। जितना ज्यादा करंट आएगा उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा हमारे कॉइल पे टॉर्क आएगा, और जब ये घूम जाएगा तो हम कहेंगे बस ये निकाल लो कि ये आदमी एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना सफर कर रहा है। जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट आया था ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये इस डिवाइस को गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। जितना ज्यादा आपने इसमें करंट इनपुट किया उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से टॉर्क ज्यादा आएगा। तो टॉर्क ज्यादा आने की वजह से इसमें ट्विस्टिंग ज्यादा हो जाएगी, और ट्विस्ट का एंगल ये डिसाइड करेगा कि कितना करंट हमारे गैल्वेनोमीटर में आया था। करंट डिटेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन भी डिटेक्ट कर सकता है बिल्कुल। अगर करंट की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो गई तो इस कॉइल में भी करंट उल्टा घूमने लग जाएगा, और कॉइल में जब करंट उल्टा घूमेगा तो लॉजिकली मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये घूमेगा भी उल्टा। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर हमारे पास किसी तरह का डिफ्लेक्शन दिखाई दे तो हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो फिर दो बातें लिखी जाती हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है न सिर्फ ये करंट मेजर करता है, करंट की डायरेक्शन भी डिटेक्ट करता है। लिखेंगे डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑल्सो मेजर्स द करंट। ना सिर्फ करंट की डायरेक्शन मेजर करता है, डायरेक्शन के साथ साथ करंट के अमाउंट को भी मेजर करता है। खूब अच्छी बात, बढ़िया है। क्या है सीन देखो, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको। आप ऐसा मत सोचें कि यहां से लाइन आई और यहां चली गई, ऐसा नहीं हो रहा है। इन रियलिटी लाइन इस सेंटर से ऐसे जा रही है, नीचे वाली लाइन इस सेंटर से घूमकर दोबारा से ऐसे जा रही है, ऊपर वाली लाइन ऐसे जा रही है। ये रियल स्ट्रक्चर है फील्ड का बेटा। लेकिन अगर आप इस सिमेट्री को देखोगे, सेंटर सिमेट्री को, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एक फील्ड लाइन है जो डायरेक्ट यहां से यहां गई। इस वजह से हमेशा हमेशा जो हमारा कॉइल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है,
पाई बोर्ड भी हमने लगा रखा है और पॉइंटर भी इस कॉइल से जोड़ दिया है, जितना स्पेक्ट टॉर्क आएगा उतना ये घूम जाएगा, स्केल बना रखा है, माप बन जाएगी। ठीक है, अच्छी बात, बताते हैं कैसे काम करता है। टॉर्शनल वायर, मैं इसको वर्टिकल प्लेन में दिखा रहा हूं आपको, बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आसानी से समझ आए। ये बहुत बड़ी कॉइल है, इतनी बड़ी कॉइल वॉइल होती नहीं है, फिर भी मैंने काफी बड़े बनकर बना के दिखाई। और ये जुड़ी हुई है किसी टॉर्शनल वायर से जो ट्विस्ट हो सकता है, इस तरह का कोई हॉर्सशू मैग्नेट है जो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक फील्ड भेजेगा या यहां पर प्रोड्यूस करेगा, ये साउथ पोल। मान लीजिए कि कहीं किसी डायरेक्शन से करंट इनपुट हो रहा है और वो करंट ऐसे आउटपुट भी हो रहा है, अच्छी बात। अब आप देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे डायरेक्शन में है, ठीक है ना, हालांकि मुझे ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे नहीं, इसे ऐसे बनाना चाहिए था और इससे नीचे वाले को भी ऐसे बनाना चाहिए था। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन में है और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो होगा क्या, जो टॉर्क करंट का हमारे ऊपर आएगा वो आएगा एन आई ए बी। साइन 90 तो जीरो है, तो साइन 91 है, थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 91 हो गया, खत्म हो गया। ये टॉर्क है वो जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का टॉर्क है जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट होने वाला है, घूमने वाला है, कुछ इस तरह से घूमेगा, ट्विस्ट हो जाएगा, और जब ट्विस्ट हो जाएगा तो टॉर्शनल वायर इसे रीस्टोर करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो c टाइम्स थीटा के बराबर होता है। ये क्या बकवास है, c का मतलब टॉर्शनल वायर का कांस्टेंट ही है, टॉर्शनल वायर कितना स्टिफ है, कितनी मुश्किल से घूमता है। दूसरा, थीटा जो है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, क्या है बेटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि हमने जो करंट इसमें फ्लो कराया उस करंट के फ्लो होने से कितना ज्यादा ये घूम गया, जितना इसका प्लेन रोटेट हो जाएगा उतना ही वायर ट्विस्ट हो जाएगा, जितने एंगल से ट्विस्ट होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा टॉर्शनल वायर प्रोवाइड करेगा। और ये जो है ये कांस्टेंट ऑफ वायर है, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, बताता है कि वायर कितनी मुश्किल से मोड़ रहा है, जितना सी ज्यादा होगा अपना रीस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा, मुश्किल से मोड़ पाओगे उसे, स्टिफनेस बता रहा है बेसिकली, जैसे स्प्रिंग में बताते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसको तुमने मोड़ा, एक टॉर्क की वजह से घूमा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगा के मत घूमो, जहां पर जिस वैल्यू ऑफ टॉर्क के लिए ये अप्लाइड टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, उस वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हमारी सुई जो इसका पॉइंटर लगा होगा इस पर, वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो लॉजिकली जिस जगह पर डीफॉर्मिंग टॉर्क और रीफॉर्मिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारी घड़ी की सुई यानी हमारे गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो वहीं पर सेटल हो जाएगी। यानी कि हम कहेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होगी वहां पर तुम कहोगे कि ये एन आई ए बी की जो वैल्यू है वो सी थीटा के बिल्कुल बराबर है। तो करंट की वैल्यू को अलग कर लें, C अपॉन एन ए बी इंटू थीटा लिख लें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर इसमें तकलीफ नहीं है तो आपने ये पता कर लिया कि कितना हमारे पास करंट आ रहा है। गौर से देखो, तुमने टॉर्शनल वायर लगाया है तो टॉर्शनल वायर का स्टिफनेस कितना है ये अल्टीमेटली नोन ही तो है, बिल्कुल अच्छी तरह पता है जो वायर तुमने लगाया। जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल बनाई जैसे तुम आर्मेचर बोला करते हो, ये नंबर ऑफ टर्न्स भी तो नोन ही है क्योंकि कॉइल तो तुमने बनाई है, तुम्हें पता है कि कितने टर्न्स लगाए। मैग्नेट भी तुमने बनाया है या तुमने लगाया है खुद, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा ये भी तो नोन है। और एरिया क्या है, जो कॉइल तुमने बनाई वो कितनी बड़ी बनाई उसका एरिया भी नोन है। तो गौर से देखो, जब आप ये सेटअप लोगे, आप ये गैल्वेनोमीटर डिसाइड करोगे बनाओगे, तो इस सेटअप के अंदर ये C अपॉन एन ए बी ये चीजें कॉन्स्टेंट है, जो वेरिएबल है वो है ये आई कितना करंट आ सकता है, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन घूम जाएगा थीटा। तो फिर क्या करें, फिर थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए आई की डिफरेंट वैल्यूज निकाल लें, और ये डिफरेंट वैल्यूज निकाल कर क्या करें,
थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग अलग अलग आई मार्क कर लेते हैं इस फॉर्मूला से देखकर, और हम कहते हैं कि हमने एक स्केल बना लिया जिसमें गैल्वेनोमीटर ये बता रहा है कि करंट किस दिशा में बह रहा है, साथ ही साथ कितना करंट बह रहा है। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर द करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाला करंट, जिसको कई बार आई जी करके लिखा जाता है, दैट इज सी बाई एन ए बी इंटू थीटा। ठीक, अब गौर से देखो, ये स्केल तुमने इतना ही बड़ा बनाया, हो सकता है इस जीरो से हमारा स्केल घूमकर मैक्सिमम इतना जा सकता है, इसके बाद स्केल खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके करस्पॉन्डिंग थीटा इतना ज्यादा हो जाएगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए। तो यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम लोग नाम दिया करते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गौर से देखें, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखना बेटा क्या है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब थीटा बराबर थीटा मैक्स हो जाए, यानी जितना स्केल तुमने बना रखा है वहां तक एंगल चला जाए। वहां तक एंगल जाने का मतलब थीटा को करना है मैक्सिमम, तो करंट भी हुआ मैक्सिमम। मैं आईजी एक करंट डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए और इसकी डेफिनेशन के नाम पर लिख रहा हूं मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर कैन बेयर, दूसरा करंट करस्पॉन्डिंग टू विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि IG एक ऐसा करंट है जिस करंट के करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है, पूरा घूम जाता है। अब इससे ज्यादा अगर करंट तुमने बहाया तो सुई और घूमना चाहेगी और वो टूट जाएगी, यानी स्केल बर्बाद हो जाएगा। अगर स्केल बर्बाद हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का सेटअप टूट जाएगा, तो अपने कोई काम का नहीं। यानी कि जिस करंट की वैल्यू के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए उससे ज्यादा हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर कैन बेयर, इसी को ऐसा बोल देते हैं करंट करस्पॉन्डिंग टू विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अच्छा देखो बहुत गौर से, चीज क्या है, मान लो कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और तुमने ये आर एक्सटर्नल और इसके सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर लगाया, जिस गैल्वेनोमीटर में कॉइल लगी है तो लॉजिकली उसका अपना रेजिस्टेंस है। यहां पर करंट जो है वो आ रहा है कुछ आई। ठीक, गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी स्मॉल डिवाइस, गैल्वेनोमीटर कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं, ये छोटे मोटे करंट मेजर करने के लिए बनाया जाता है, मिली एम्पियर से करंट मेजर करने के लिए बनाया जाता है। मान लो कि तुम्हारे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, अब जो सर्किट जो डिवाइस 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है वो 2 और 3 एम्पियर्स के ऑर्डर में जब करंट मेजर करेगा तो लॉजिकली वो ब्लो कर जाएगा। इतना ज्यादा करंट है, स्केल का फुल डिफ्लेक्शन के बाद भी करंट आ रहा है, टॉर्क और लगेगा, स्विच टूट जाएगी। ऐसे समय में हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को ट्विस्ट करके कोई ऐसा एक डिवाइस बना लिया जाए जो बड़े करंट मेजर करे, और वो बड़े करंट मेजर करने का काम एक डिवाइस करता है जिसे हम बचपन से नाम देते हैं बेटा एमीटर। ये एमिटर बनता गैल्वेनोमीटर से ही है, सेम सेटअप होता है, कोई अंतर नहीं है। तो सीरीज में आपने एक्सटर्नल के साथ क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। पर आप इस बात को जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर तो वो मिली एम्पियर्स वाला करंट आईजी जा सकता है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर आपने इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर डाला तो ये फूक जाएगा, ये टूट जाएगा, इसकी सुई टूट जाएगी। तो इससे बचाने के लिए एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव करंट है इसको एक अल्टरनेटिव पाथ दे दीजिए। आपने इसे एक अल्टरनेटिव पाथ दिया और जो रेजिस्टेंस लगाया इस रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया बेटा शंट। क्या नाम दिया? शंट। अब क्या कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि आईजी वाला पार्ट तो हमारे गैल्वेनोमीटर में चला गया और बाकी बचा हुआ सारा पार्ट कहां चला गया? हमारे शंट में। इससे हुआ क्या कि सारा का सारा आई करंट पास भी कर गया आगे, लेकिन हमारा गैल्वेनोमीटर वाला जो कॉइल है उसमें सिर्फ आईजी करंट ही गया जिसकी वजह से वो फूका भी नहीं। बहुत अच्छी बात। क्या है दोनों पैरेलल लगे हुए हैं शंट? जी हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि एम्पियर्स में करंट आ रहा है
और मिली एम्पियर्स में गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, ऊपर सारा का सारा करंट चला गया है, इसका मतलब यह है कि शंट हमारी बहुत छोटी है। तो हम इसमें लिखते हैं कि शंट अप्रोचेस टू जीरो, ये बहुत छोटी शंट लेनी है और ये कहलाती है शंट रेजिस्टेंस। और शंट को लगाते हैं बेटा पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ। अगर हमने शंट को पैरेलल लगा दिया तो ये जो डिवाइस बनकर आया जिसमें ढेर सारा करंट भी बह गया लेकिन गैल्वेनोमीटर भी नहीं फूका, ये डिवाइस हमारे लिए कहलाता है अमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ शंट इज कॉल्ड एज अमीटर। अब इस शंट की खास बात क्या है कि वो शंट अप्रोचेस टू जीरो है, यानी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में शंट का रेजिस्टेंस इग्नोरेबल है, बहुत छोटा है। इस वजह से मिली एम्पियर्स में यहां और एम्पियर्स में ऊपर करंट जा रहा है, सारा करंट लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से गुजरने की इच्छा रख रहा है। दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही तुम्हें दोनों पैरेलल दिखाई देते हैं तुम तुरंत कह देते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। तो हमने लिखा S of IG, I minus IG equal to IG into RG. शंट को बेटा अकेला कर लेते हैं, हम यहां पे लिख रहे हैं IG into RG upon I minus IG. बात तो बन गई। देखो गौर से, मैं तुमसे कहूं कि गैल्वेनोमीटर है तुम्हारे पास तो तुम कहोगे मुझे उसकी रेजिस्टेंस तो 100% पता है। क्यों? हमारा सेटअप है यार, हमें तो पता है कॉइल की रेजिस्टेंस क्या है। तो RG तो बहुत सिंपली नोन है और गैल्वेनोमीटर तुमने बनाया था उसका टॉर्शनल वायर भी पता है, तो कितना ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो करा सकते हो वो भी नोन है। जितने करंट पे वो फ्यूज हो जाता है, जितने करंट पे हमारी सुई टूट जाती है, वाला करंट भी नोन है। कितना करंट तुम मेजर करना चाहते हो ये आई भी नोन है, ये तो रिक्वायर्ड है ना। हम लिख लेते हैं ये रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट तो पहले से नोन है। क्यों नोन है? क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम 25 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, व्हाटएवर जितना भी एम्पीयर का करंट तुम चाहते हो वो तुम मेजर कर पाओ। इतना करंट अगर तुम चाहते हो तो फिर इतनी शंट लगानी पड़ेगी तब जाकर के तुम्हारा अमीटर बनेगा। सवाल कैसे आते हैं गौर से सुने। सवाल ऐसे आते हैं कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 90 ओम्स और उस 90 ओम्स के रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर में सिर्फ 2 मिली एम्पीयर का करंट जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि 2 मिली एम्पीयर की बजाय हम ऐसा कोई अमीटर बना लें जिस अमीटर से हम 25 एम्पीयर का करंट मेजर कर पाए तो क्या करना चाहिए? तो हमें कहना चाहिए कि हम सीरीज में एक बहुत छोटा शंट लगाएंगे जिससे वो अमीटर बन जाएगा। तो हम कहेंगे ऐसे कैसे मीटर बन जाएगा, हमें तो 25 एम्पीयर नापना है। तो तुम कहोगे देखो वो जो 2 मिली एम्पीयर का करंट तुम मेजर कर रहे थे गैल्वेनोमीटर से वो ये है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस तुमने दे रखी है, तुम कितना करंट मेजर करना चाहते हो जो तुम्हारी चाहत है वो ये आई है। तो रिक्वायरमेंट किसकी बची बेटा? एस की। ये जो शंट है इन फॉर्मूलाज में ये वैल्यू रखकर आपकी जो शंट निकल कर आएगी आप ऐसा कहेंगे कि इतना शंट पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देने पर वो एमिटर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एमिटर बन जाता है। रिक्वायर्ड रेंज आपको याद रखनी है जो करंट जो मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर बेयर कर सकता है या जिसके करस्पॉन्डिंग वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है वो आईजी रखना है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आरजी रखनी है, उससे आपको शंट निकल कर आ जाएगा। ऐसा ही छोटा सा एप्लीकेशन और है जिसको बोलते हैं बेटा वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अब अगर आप वोल्ट मीटर को पाएंगे देखेंगे तो आप ऐसा कहेंगे कि जो वोल्ट मीटर है ये क्या है। तो देखें मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमने इसके परपेंडिकुलर सॉरी ये इसके पैरेलल में ऊपर लगा दिया, परपेंडिकुलर पता नहीं क्यों निकला दिमाग से, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहां पे करंट बेटा आ रहा है मान लो आई, तो लॉजिकली ऊपर मैक्सिमम जा सकता है आईजी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाना चाहिए आई माइनस आईजी। हम मैक्सिमम जो गैल्वेनोमीटर को झेल सकते हैं वो आरजी है, आरजी का आईजी है। अब प्रॉब्लम ये है जब पैरेलल लगा दोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सामने तो जरूरी है क्या कि इतना करंट जाएगा? जरूरी तो नहीं। तो फिर पता है क्या बोला जाता है, अगर ऊपर के सर्किट में करंट ज्यादा नहीं जाने देना है तो एंश्योर करो कि ऊपर की रेजिस्टेंस ज्यादा है और ऊपर हम शंट लगा देते हैं और ये जो शंट लगाई गई है ये टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यानी एमीटर बनाते समय शंट बहुत छोटी लगाई जाएगी और वोल्ट मीटर लगाते समय शंट बहुत बड़ी लगाई जाएगी। दूसरा, एमीटर बनाते समय शंट पैरेलल में लगाई जाएगी जबकि वोल्ट मीटर बनाते समय शंट जो है वो सीरीज में लगाई जाएगी।
वोल्ट मीटर बनाते समय सीरीज जो है शंट जो है वो सीरीज में लगाई जाएगी, बहुत बड़ी शंट होगी। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ना है, ऐड होना है। ऊपर के ब्रांच का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो लॉजिकली जितना करंट आ रहा है वो बहुत बड़े रेजिस्टिव पाथ से तो गुजरेगा नहीं, कम रेजिस्टेंस से गुजर जाएगा। सारा करंट हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से और गैल्वेनोमीटर के थ्रू सिर्फ आईजी ही जाने वाला है। बात तो सही है यार। अब अगर मैं कहूं कि क्या ये पूरा सेटअप इस सेटअप के साथ पैरेलल में, तो जवाब है हां, यानी आई माइनस आईजी इनटू आर एक्सटर्नल। क्या ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस है, तो जवाब है हाँ। और अगर इन दोनों के क्रॉस में अगर पूछो तुम कहोगे आई जी इंटू आर जी प्लस शंट, यही तो है, जवाब है हाँ। अच्छा गौर से देखो, ये भी तो वी ही होगा। हाँ वी होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये वो वोल्टेज है जो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। बात तो सही। एक काम करो आई जी को नीचे भेजो, तो शंट इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो आपको तुरंत ऐसा दिखा कि आपसे कहा गया कि आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया गया, उस गैल्वेनोमीटर की ये रेजिस्टेंस है और ये वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर बेयर कर सकता है, जिसके करस्पॉन्डिंग वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। और इससे बनाना है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर को, तो वोल्टमीटर बनाना है और आपको ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जो 30 वोल्ट तक नाप पाए, रेंज दे दी गई 30 वोल्ट तक नापना है। तो ये वो रेंज है जिस वोल्ट को आप चाहते हैं, इतना नाप पाए। तो जितना मैक्सिमम आपसे नापने के लिए बोल दे वोल्टेज यहां डाल दीजिए। आईजी आपने डाला, आरजी आपने डाला, वी आपने डाला, तो उससे निकल कर क्या आया? उससे निकल कर आई शंट। तो आप ऐसा कह देंगे कि दिस मच अमाउंट ऑफ शंट इफ वी कनेक्ट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, द गैल्वेनोमीटर विल कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर। अगर मैं आईजी और आरजी दे दूं और तुमसे कहो कि बताओ 30 वोल्ट नापने वाला वोल्टमीटर कैसे बनाओगे, तो तुम्हारा आंसर होगा कि इस फॉर्मूले में आईजी आरजी डालोगे, जितनी रिक्वायरमेंट तुम्हें नापने की है वोल्ट वो यहां डालोगे, उससे निकलेगा शंट। और स्टेटमेंट लिखोगे कि दिस मच अमाउंट ऑफ शंट जो कैलकुलेट होके आई मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर ही है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम इतना शंट लगा देंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है शंट और गैल्वेनोमीटर का, ये बन जाएगा वोल्टमीटर और ये उतना वोल्टेज नाप सकता होगा जितना आपने रिक्वायर्ड वैल्यू बताई है। This is the simple conversion of galvanometer into ammeter and galvanometer into voltmeter. ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में सवाल आता है। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया है, जो सवाल मैं बोल रहा हूँ हर साल हर साल हर साल सिर्फ यही सवाल आता है, कुछ और आता ही नहीं है। इस वजह से दिमाग में रखेंगे कि ये फॉर्मूला और बच्चों galvanometer का ये फॉर्मूला, एमीटर वाला केस ये फॉर्मूला दोनों का, ये एमीटर और आगे वाला वोल्टमीटर, दोनों फॉर्मूला आपको याद कर लेने, रट लीजिए, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ये तीन चीजें अगर आपको याद हुई कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, ये दो टॉपिक्स अगर आपको आए तो दो चार नंबर के सवाल तो आपके बन ही जाएंगे। पेपर में 100% कन्वर्जन का सवाल आता है। फॉर्मूला आपको बता रखा है, स्टेटमेंट बता रखी है, क्वेश्चन की क्या पूछेगा, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, स्टेटमेंट क्या लिखनी है मैंने वो भी आपको बता दिया। आप चाहे तो रिपीट करके सुन लीजिए, उसे लिख लीजिए, जो बोल रहा हूं ऐसा लिखेंगे पेपर में, पूरे नंबर आएंगे। हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स वाले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद अब कोर्स का हिस्सा खत्म होता है मैग्नेट वाला। अब हम काम करेंगे ईएमआई पे, यहां से पूर्ण आवृत्ति होती है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, दो पार्ट खत्म हो जाते हैं। अब चर्चा करेंगे ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। आज के लेक्चर को यहां रोकते हैं, काम कंप्लीट हो गया है हमारा, चैप्टर ओवर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन, हमें फॉलो करते रहिए। बोर्ड में जो पढ़ना है और जैसे पढ़ना है, जिस तरह आंसर करना है, अगर ये सीखना है तो आ जाइए हमारे चैनल पे, पूरे साल आपको सिखाते रहेंगे कि बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे नंबर लाने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक पर स्ट्रेस देना है। नाम इंद्रजीत सिंह, आरटी एकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में ईएमआई के साथ। जल्दी, थैंक यू।